Arvind Kejriwal is addressing the media. Let's listen in. विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान में नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है, जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के जरिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है, अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी, और जो जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। दो लोगों, ये जो दो भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद, इसमें एक और बात है, कितने लोगों की अब तक और डेथ की कैजुअलिटी की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 लोग उस वक्त मोटिवेशनल स्पीच में थे सेकंड फ्लोर पर। उतना नहीं है, लेकिन अभी मैं आधिकारिक तौर पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक सारा वो डीएनए वगैरह की जांच नहीं हो जाती तो एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा किसकी लापरवाही कई जगह पे रही है। ये जांच में पता चलेगा, मैजिस्ट्रियल जांच के जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदार था, कोई एजेंसी जिम्मेदार थी, लेकिन इस वक्त हम जांच की वेट करें। एक और इसमें है कि सिविक बॉडीज से लेकर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, एक बारी जाँच के नतीजे आ जाने दीजिए।